नमस्कार, भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं वृषक गौरी। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव इस वक्त अपने शबाब पर हैं और दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी ने विपक्ष में बड़ी सेंधमारी की है और जिसके चलते सपा और बसपा के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ ही बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं सपा के पूर्व मंत्री सचिन यादव भी कमल के फूल के साथ आ गए हैं। फारुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी को छोड़कर मोहनीश त्रिवेदी भी बीजेपी के साथ आ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और आपको बता दें कि मोहनीश पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल त्रिवेदी के परपोते हैं। मोहनीश के साथ ही एक दर्जन जिलों के सैकड़ों पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। रविवार को उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार में मंत्री रहीं अरुणा कोरी और कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव अज्जू के साथ ही सपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के कई बड़े नेताओं ने उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं श्रीमती कोरी कानपुर नगर की बिल्हौर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। पार्टी के राज्य मुख्यालय पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में इन नेताओं ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता को ग्रहण किया। हालांकि पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसका असर आखिर पहले चरण की वोटिंग के बाद क्या कुछ चुनाव पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप भारत एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए।